अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से शनिवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने 75 फीट का तिरंगा लेकर शहर मार्च निकाला। यात्रा के दौरान विद्यार्थियों में देशभक्ति का जज्बा देखते ही बन रहा था। वहीं विश्व विजयी तिरंगा प्यारा और भारत माता के जयकारों से शहर की सड़कें गूंज उठी। इधर ABBP जिला संयोजक पुरुषोत्तम झिंझोरे ने कहा कि 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से 75वीं वर्षगांठ से एक साल पहले यानी 15 अगस्त 2021 से कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकालकर देश के लिए शहीद हुए वीर योद्धाओं को याद किया गया। इसके साथ ही रैली में युवाओं को यह संदेश दिया है कि देश के लिए जिन लोगों ने प्राण न्योछावर किए हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। नगर मंत्री निखिल चंद्रवंशी ने कहा कि देश के लिए गर्व और खुशी की बात है कि भारत इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकालकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान विभाग सह संयोजक भूपेन्द्र तोमर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुमंत वाष्ट, मयंक काले, दीपेश चौबे, दिनेश बिलोरे, आदित्य मराठा, शानू कुचबंदिया, रूपल बंसल, अंजनी राठौर, विराट सिंह, रोहित देवहरे, सुमित गोयल, शुभम ढोके आदि शामिल रहे। उधर 13 अगस्त को महिला पुलिसकर्मियों ने ASP राजेश्वरी महोबिया के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाला, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ भी हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुईं।